2 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार संभला। एशियाई बाजारों से मिले संकेतों और निवेशकों में लौटे भरोसे के कारण शेयर बाजार में मजबूती देखी गई, जिससे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 425 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 129 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ। सेंसेक्स की शुरुआत बढ़त के साथ 37,886 अंक से हुई। कारोबार के दौरान 38,298 अंक के दिन के उच्च और 37,800 अंक के निचले स्तर तक पहुंचा। बाद में ये 425 अंकों की बढ़त के साथ 38,233 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 23 कंपनियां हरे निशान में और शेष 7 लाल निशान में रही। बीएसई के 20 समूहों में आईटी और टेक के सूचकांक के अलावा शेष 18 समूहों में तेजी रही। आईटी में 0.58 और टेक में 0.41% की गिरावट रही। निफ्टी की शुरुआत भी तेजी के साथ 11,375 अंक से हुई। कारोबार के दौरान 11,497 अंक के उच्च और 11,352 अंक के निचले स्तर से होता हुआ ये कल के मुकाबले 129 अंकों की तेजी के साथ 11,483 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 38 कंपनियां तेजी में और 12 गिरावट में रही। एशियाई बाजारों में जापान का निक्की 2.15, हांगकांग का हैंगशेंग 0.15, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.18% की तेजी में और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.51% की गिरावट में रहा। यूरोपीय बाजारों में ब्रिटेन का FTSE 0.23 और जर्मनी का डैक्स 0.13% की तेजी में रहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।